देखिए दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ये वीडियो जो है आपको एग्जाम में 2 नंबर दिलाएगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक बार कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। 1 से 2 नंबर निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में बढ़ जाएंगे और 1 नंबर आपके सिलेक्शन के लिए काफी महत्व रखता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ध्वनि का वेग जो होता है ये आर्द्रता के समानुपाती होता है, यानी कि आर्द्रता कहें तो यानी कुहासा वाला मौसम है तो ऐसे मौसम में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, और अगर ऐसा वायुमंडल से अगर आर्द्रता समाप्त हो जाएगी तो ध्वनि का वेग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरी बात, तापमान के समानुपाती होता है, यानी अगर वायुमंडल में तापमान बढ़ गया है, वायुमंडल का तापमान ज्यादा है तो ध्वनि का वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और अगर तापमान को हम गिरा देंगे, वायुमंडल में तापमान नहीं है तो ध्वनि का वेग ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, है ना। तो 2 चीजें यहाँ पर सामने आई। देखिए दोस्तों समानुपाती का अर्थ क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई एक चीज है और यहाँ पे दूसरी चीज है तो यहाँ पर अगर इसका वेग बढ़ता है तो इसका भी वेग बढ़ेगा, यानी इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है दोस्तों, मतलब समान अनुपात में बढ़ेगा। ये बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घट रहा है तो ये भी घटेगा, तो इसलिए समानुपाती का चिन्ह हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखें, आर्द्रता के समानुपाती, मतलब आर्द्रता अगर वायुमंडल में बढ़ गया तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, अगर तापमान वायुमंडल का बढ़ गया तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, अगर तापमान घट गया तो ध्वनि का वेग घट जाएगा। तीसरी बात, अगर प्रत्यास्थता बढ़ जाती है किसी भी वस्तु की, प्रत्यास्थता बढ़ जाएगी तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, प्रत्यास्थता जैसे ही घटेगी ध्वनि का वेग घट जाएगा। तो इन तीनों के समानुपाती होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में व्युत्क्रमानुपाती मार देते हैं और ये उनका गलत हो जाता है ना। अब देखिए ये 3 बातें हम लोगों ने इसमें जाना जो भी काफी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए हम लोग देखेंगे ध्वनि का वेग कितना होता है। ध्वनि का वेग आप सभी जानते हैं कि तरंगे अनेक प्रकार की होती है, ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, उसके बाद दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, रेडियो तरंग, बहुत तरह की तरंगे होती है और इन तरंग से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार आपके सेट में दिखाई देते होंगे। अगर आप ऑनलाइन सेट या फिर ऑफलाइन सेट मार रहे हैं तो आपके सेट में जरूर इससे क्वेश्चन दिखाई देते होंगे। इन डाउट को आप थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। ये वीडियो दोस्तों बिल्कुल 5 मिनट की होगी, बिल्कुल छोटी वीडियो होगी, लेकिन आपके लिए काफी लाभप्रद होगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, है ना। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते दोस्तों तो हम तो यही बोलेंगे कि जरूर आप 2 नंबर को क्या कर रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तरंगे जो होती है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सी तरंग, ध्वनि तरंग, कौन सी तरंग, ध्वनि तरंग। दूसरी तरंग है हमारा यांत्रिक तरंग, कौन सा तरंग है, यांत्रिक तरंग। थोड़ा सा गौर कीजिएगा दोस्तों, तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट तरंग है वो है दाब तरंग, वो कौन सा है, दाब तरंग है। चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट तरंग है वो है प्रत्यास्थ तरंग, कौन सा है, प्रत्यास्थ तरंग। ये जो 4 तरंगे है ना दोस्तों, इसका वेग जो होता है वो होता है 331 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर हम देखेंगे कि 331 मीटर पर सेकंड वेग हो जाएगा ध्वनि तरंग का, यांत्रिक तरंग का, दाब तरंग का और प्रत्यास्थ तरंग का, इन चारों ही तरंग का। और जानते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, इन चारों तरंग का वेग आपको 331 याद रखना है, और इसके बाद दुनिया की जितनी भी तरंगे, जितनी भी तरंगे दुनिया में नाच रही है, दुनिया में घूम रही है, बहुत सारी तरंगे हमारे वायुमंडल में घूमती है, रेडियो तरंग घूमती रहती है, कॉस्मिक तरंग वायुमंडल के बाहर से आती है, जितनी भी तरंगें हमारे वायुमंडल में है, जितनी भी है सभी का वेग कितना हो जाएगा, सभी का वेग हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों अब कहिएगा सर आप एग्जांपल दीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किनका किनका वेग होगा, ये किनका किनका वेग होगा, हम याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले इनको याद रख लीजिए, आपकी 331 मीटर पर सेकंड होता है, बाकी जितना भी है सबका ऑटोमेटिक, जितना भी आएगा बाकी सबका आपको कितना मारना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी ऑप्शन में अगर ये चारों नहीं दिखा, ऑप्शन में ये नहीं दिखा, कुछ और दिख गया तो सीधा आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मार देना है, है ना। अब देखिए अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये किनका किनका वेग होता है। तो पहला होता है प्रकाश तरंग का, इनका होता है प्रकाश तरंग का, ठीक है। और दूसरा जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा विद्युत, विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय। और तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा गामा तरंग का, क्या हो जाएगा, गामा तरंग का। और चौथा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सूक्ष्म तरंग का, क्या हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग का। और एक है 5वां जिसको कहते हैं रेडियो तरंग, यानी कि रेडियो वेव।
ये जो पांच तरह की किरणें, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा किरण, उसके बाद सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग, इन सब का वैल्यू जो होगा, ये सब का वैल्यू हो जाएगा 3×10⁸ मीटर/सेकंड। तो आपको इन्हें याद नहीं रखना है, आपको इन चारों को याद रखना है। इन चारों को याद रखिए, 331 होता है, बाकी सबको मार दीजिए 3×10⁸ मीटर/सेकंड। आंख मूंद के मार दीजिए, गलती नहीं होगा, है ना। तो देखिए ये कुछ तरंगें थी। अब देखिए दोस्तों, कुछ और भी तरंगें दुनिया में होती है, जैसे कि एक्स है, गामा किरणें है, कॉस्मिक रेज है। अब देखिए इससे कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट बात जो है पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है, बिल्कुल छोटी सी वीडियो होने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि 5 से 6 मिनट की ये वीडियो हो, ताकि आपको भी ज्यादा परेशानी नहीं हो। अब देखिए दोस्तों कि हम बात कर रहे थे एक्स किरणों की, दूसरा गामा किरणों की, तीसरा होता है एक कॉस्मिक किरण। कौन सी किरण होती है? कॉस्मिक किरण। ये तीन तरह की किरणें होती है, जिससे ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनमें से सबसे खतरनाक है ये VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्मिक किरण, बहुत बार पूछा गया है। हम शुरू करते हैं एक्स किरणों से, ठीक है। एक्स किरण की खोज किसने की है? एक्स किरण की खोज की है रॉयल्ट जेन ने। किसने की है? रॉयल्ट जेन ने 1901 में इसकी खोज की है, और इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके लिए इसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, रॉयल्ट जेन। तो इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गामा किरण, गामा किरण की खोज किसने की थी? इसकी किरण, इसकी खोज की है विलार्ड ने। इसकी खोज किसने की है? विलार्ड ने इसकी खोज की है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, है ना। फिर भी विद्यार्थी कंफ्यूजन में गलती बना देते हैं। तो बस इसीलिए हमने शुरू किया है छोटी छोटी वीडियोज की सीरीज, ताकि आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं हो, 4 से 5 मिनट में आप 2 नंबर अपने खाते में जोड़ सके, है ना। उसके बाद हमारा एक कॉस्मिक किरण है। कॉस्मिक किरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी किरण है जो ब्रह्मांड के बाहर से आती है, जो ब्रह्मांड के बाहर से आती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के बाहर से आती है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कि कॉस्मिक किरण की खोज किसने की है, कॉस्मिक किरण की खोज किसने की है? तो इसमें दो लोगों का हाथ है, एक है हमारे मिलिकन साहब और दूसरे हैं हमारे विक्टर हैस। दूसरे कौन है? विक्टर हैस। ये दो व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों अगर अगर सिंगल ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आपको विक्टर हैस मारना है, विक्टर हैस मारना का है वो, इसीलिए क्योंकि मिलिकन साहब ने इसमें योगदान भले ही अपना दिया था, लेकिन विक्टर हैस आपको मारना है अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। अगर दोनों आ जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप ट्रिक लगाएंगे। अगर विक्टर हैस आएगा तो विक्टर हैस को मारना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मिलिकन साहब का इसमें क्या है? बहुत ही बड़ा योगदान है। और ये कॉस्मिक किरण कहां से आती है? ब्रह्मांड के बाहर से आने वाली एकमात्र किरण है। एक्स किरण की खोज रॉयल्ट जेन ने की है, ये आपको पता होना चाहिए। गामा किरण की खोज विराट ने की है, और कॉस्मिक किरण की खोज किसने की है? मिलिकन और विक्टर हैस ने। ये आपको पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ किरणें थी जिसके बारे में हमने बताया, ध्वनि तरंग के बारे में बताया कि ध्वनि तरंग किसके समानुपाती होता है। इसके बाद हमने बताया कि ये जो तीन किरणें इसके खोजकर्ता कौन है। इसके बाद हमने बताया कि इनका वेग क्या होता है, ध्वनि तरंग का वेग। उसके बाद यांत्रिक तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास तरंग, इन सबका वेग होता है 331 मीटर/सेकंड। बाकी दुनिया में जितनी भी तरंगें हैं सबका वेग होगा 3×10⁸ मीटर/सेकंड, जैसे कि रेडियो वेव हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो जो है आपके लिए लाभप्रद होगी, निश्चित तौर पे आपके 2 नंबर एग्जाम में बढ़ाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।